गाइस एक हैप्पी वाली धमाकेदार वाली गुड न्यूज़ आई है सारे के सारे रियांश फैंस के लिए। सो अब भाई वो गुड न्यूज़ किस से रिलेटेड, राहुल सुधीर एंड हेलिशा किस से रिलेटेड, रियांश के म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग से रिलेटेड है। सो अब भाई कितनी गुड न्यूज़ आएगी इस वीक। जो है बहुत सारी बिजनेस वाली गुड न्यूज़ आई है एंड छोटी मोटी भी जो भी हो सब बहुत ही गुड न्यूज़ आई है। सो ये गुड न्यूज़ भी बता देती हूँ। सो हमारे रियांश की जो म्यूज़िक एल्बम है वो सितंबर में आने वाली है। एग्जैक्टली गाइस जो मतलब MB के लाइव म्यूज़िक वाले हैं ना, उन्होंने खुद हम लोग को हम लोगों ने पूछा था, मतलब एक फैंस ने, अब उस फैंस की आईडी वो उतना मुझको नहीं पता है, बट उन्होंने पूछा था कि सर आप कब ला रहे हैं हमारे रियांश की म्यूज़िक एल्बम। उन्होंने बहुत ही प्यार से रिस्पेक्ट के साथ लिखा था, तो MB के लाइव म्यूज़िक से जो है रिप्लाई भी आया था। तो अब रिप्लाई क्या आया, सो रिप्लाई उन्होंने दिया कि हम लोग SCP मतलब कि सितंबर ही होता है ना, सो सितंबर में ला रहे हैं, ऐसा उन्होंने SCP ला रहे हैं, मतलब सेप लिख के उन्होंने छोड़ दिया बस, उसके बाद ला रहे हैं ऐसा लिख दिया। सो सितंबर SCP का मतलब क्या होता है, डेट ही तो मतलब एक मंथ का नेम होता है, वो है सितंबर। सितंबर के मंथ में हमारी रियांश की म्यूज़िक एल्बम आने वाली है एंड शूटिंग भी उसी में स्टार्ट हो जाने वाली है। सो ये न्यूज़ हमें राहुल सुधीर ने दी थी कि शूटिंग सितंबर में स्टार्ट होगी, ये उन्होंने ही कहा था, उन्होंने खुद ही लाइव पर जो है कन्फर्म किया था। सो इसलिए मैंने आप लोगों को ये न्यूज़ दिया है। सो सितंबर में हमारी रियांश की म्यूज़िक एल्बम आने वाली है। ये न्यूज़ आप लोगों को कोई देगा या नहीं, कोई मतलब अभी तक आप लोगों को कोई न्यूज़ ये न्यूज़ आप लोगों को कोई दिया है या नहीं ये तो मुझको पता नहीं है, बट हम लोग हर जगह रिक्वेस्ट करनी है ताकि हमारे रियांश की 2-4 म्यूज़िक एल्बम आ सके एंड सारे के सारे फैंस मतलब सारे के सारे जो फैंस हैं वो लोग खुश हो जाए। एंड उसके बाद सेकेंडली आप लोग सारे के सारे जगह पर हर जगह जहाँ देखो वहीं पे ही मतलब रिक्वेस्ट करो। एंड उसके बाद और एक चीज़ आप लोगों को करनी है, वो अगर आप लोग करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, सारे जगह रिक्वेस्ट करो एंड सारे लोग जो है देखेंगे कि रियांश की पॉपुलरिटी कम मतलब जैसी की वैसी है, बट उसके फैंस जो है दिमाग ख़राब कर दे रहे हैं म्यूज़िक एल्बम के लिए। सो सब लोग ऐसा जो अगर 2-4 म्यूज़िक एल्बम्स रियांश की आ गई तो अगर समझ लो आ गई तो बस हो गया और कुछ नहीं करने का। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी रियांश मतलब जो प्रोड्यूसर्स है ममता मामदी सुधंत्री को मार्शली लाएगी क्यों नहीं लाएगी, एग्जैक्टली उनको लाना ही पड़ेगा क्योंकि लोग जो है अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो प्रोजेक्ट्स में वो लोग रियांश जोड़ी को ले लेंगे, तो ममता मैम ऐसा थोड़ी ना करेगी गलती, तो ममता मैम अपने प्रोजेक्ट पर अपने इश्क में मजाओं पर वो लेगी रियांश जोड़ी को। ये मैं आप लोगों को मार्शली बोल देती हूँ। अगर राहेल की 5-6 म्यूज़िक एल्बम आ गई, जैसे कि अब वानी जोड़ी की देखो, उनकी मैंने कभी भी वानी जोड़ी को मतलब लाइक नहीं किया है, उसके शो को देखा है, बट वो जो शो देखना मुझको अच्छा है क्योंकि नागिन मेरा फेवरेट शो नहीं है बट मैं उसको देखती हूँ। सो देखना कोई गलत बात नहीं है, फेवरेट शो होगा तभी देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे, सो ऐसा कुछ नहीं करने का है। बट मैंने ना कभी भी मैंने रियांश फैंस को इतना सब कुछ करते हुए देखा, बट वानी जोड़ी का म्यूज़िक एल्बम कैसे आ जाता है भाई, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है वानी जोड़ी की ये सब चीज़ों से। हाँ वानी जोड़ी पॉपुलर है रियांश की तरफ, तब ठीक है, उसकी शो की मांग हो रही है कि लाए एकता कपूर जल्दी से उनकी शो को लाए, हाँ वो बात ठीक है, हमारे रियांश की भी हो रही है ममता मैम से, बट ऐसा क्या हो गया कि जो वानी जोड़ी है उसकी म्यूज़िक एल्बम्स आने लगे, बेपनाह प्यार कैसे आ गया। तो वही मैं सोच रही हूँ कि जो मतलब वानी जोड़ी के फैंस है वो लोग क्या ऐसा तरीका आजमा रहे हैं जिससे उनका म्यूज़िक एल्बम आ रहा है, अब भानी जोड़ी के जो फैंस है वो लोग ऐसा क्या तरीका आजमाते हैं, हम मुझको भी नहीं पता, हम लोगों को भी नहीं पता, फैंस को भी नहीं पता। सो अगली वीडियो पे सारे के सारे फैंस मिलेंगे न्यू अपडेट्स के साथ एंड राहेल की म्यूज़िक एल्बम की जो अपडेट्स है वो और भी एक आई है और भी एक न्यूज़ आई है, सो वो भी मैं शेयर करूँगी अगले वीडियो पे। सो अगले वीडियो पे सारे के सारे फैंस मिलेंगे न्यू अपडेट्स के साथ।